ओके सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो क्वेश्चन एरर डिस्कशन में आए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, बाकी रेगुलर बैच वाले तो स्टूडेंट ही हैं। इस क्वेश्चन एरर सेशन के अंदर हम क्वेश्चन एरर कवर करने वाले हैं फॉर द चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, और हम सेक्शन 151 से आगे क्वेश्चन कवर करने वाले, जितने सेक्शन होते हैं उतने, ठीक है। 149 का इंडिपेंडेंट, 149 का क्वेश्चन डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो चुका है, आपने शायद देखा होगा। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन डिस्कशन वालों को समझ में आ रहा होगा तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस लिंक में जाइए, वहां सभी डिस्कशन अवेलेबल है वो प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां से 149 का 1 का डिस्कशन, 1 से 3 का डिस्कशन मिलेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिस्कशन आपको अभी नहीं होगा अगर आप बहुत जल्दी ये लेक्चर देख रहे हो, हालांकि प्लेलिस्ट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे जैसे जैसे ये एडअप होता जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे आएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के क्वेश्चनेयर डिस्कशन से, और एक एक क्वेश्चन आगे जाएंगे। हालांकि 164, 167 इनका डिस्कशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, 164, 167 तो हम नहीं लेंगे। एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का भी डिस्कशन हम यहां नहीं लेंगे क्योंकि वो सेक्शन होना हमारे बाकी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर के डिस्कशन से। सो आ जाइए बच्चों, रेडी, लेट्स गो। मई 16 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 37, पेज नंबर मैं बोलूंगा नहीं, आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जाइए, पेज नंबर चेंज हो सकते हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रिंटिंग के वक्त थोड़े बहुत चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, रेडी, लेट्स गो। पहला, डीडी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी and it has been served with a notice for appointment of a small shareholder director. अच्छा, मतलब इसको notice दिया है तो class meeting में appoint होगा, अगर इसको notice दिया है that means appointment कहां होगा, class meeting में। अगर सुमोटो अपॉइंट कर रहे होंगे तो कौन सा मीटिंग में होगा, जनरल मीटिंग। मैंने लेक्चर के अंदर ये बोला था कंपनी सुमोटो चाहे तो जनरल मीटिंग में, लेकिन अगर नोटिस दिया है स्मॉल शेयर होल्डर ने तो क्लास मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और कंपनी लिस्टेड बोला है, कंपनी कौन सी कंपनी बोला है, लिस्टेड, मतलब सेक्शन तो इसको ऑब्वियसली एप्लीकेबल है। रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एडवाइज द फॉलोइंग, डिफाइन द एक्सप्रेशन स्मॉल शेयर होल्डर्स फर्स्ट। तो ये हमको तो ऑलरेडी पता है स्मॉल शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जिसका वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू रूपीज 20,000 का फेस वैल्यू, 20K मतलब 1000 फेस वैल्यू, वो होता है स्मॉल शेयर होल्डर। उसके बाद में स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर हु मे सर्व अ नोटिस ऑन द कंपनी, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स ये नोटिस सर्व कर सकते हैं, क्लियर है। इज इट पॉसिबल टू अपॉइंट अ पर्सन हु डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी एज स्मॉल शेयर डायरेक्टर, यस, लेकिन इस सिचुएशन में उस ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो कुछ होल्ड नहीं करता, तो उसका शेयर सर्टिफिकेट और फोलियो नंबर नहीं लगेगा। जो शेयर होल्ड नहीं करता वो हो सकता है, मैंने आज ही रेगुलर बैच में बताया था, जो शेयर होल्ड नहीं करता वो भी हो सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और इंडिपेंडेंट तो तभी रहेगा ना जब वो शेयर होल्ड नहीं करता। सो शेयर ना होल्ड करना ये तो इंडिपेंडेंस का टेस्ट है, या जो बहुत कम शेयर होल्ड करता है वो भी हो सकता है, लेकिन जो बिग शेयर होल्डर है वो नहीं हो सकता, ये डिस्प्यूटेड भी है पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज्यादा शेयर होल्ड करेगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं पाएगा तो फिर स्मॉल शेयर होल्डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एसएसडी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर एज डायरेक्टर, ये भी हमको ऑलरेडी पता है, टेन्योर होता है कितना, 3 ईयर्स, क्लियर है। एंड वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड एज सच आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता, 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड है अगर वापस से अपॉइंट होना है तो। ऑल्सो स्टेट वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अब ये डिस्प्यूटेड है, मैं पहले ही बोलू ये डिस्प्यूटेड है, मैंने आज के लेक्चर के अंदर लॉजिक बताया था कि अगर उसको कोई और चीज करना है, कोई और ऑफिसर बनना है, कोई और ऑफिस होल्ड करना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बंदा वो होल्ड कर सकता है अगर उसको वापस से एसएसडी नहीं बनना है तो। इंडिपेंडेंस रखना है तो वो नहीं बन सकता ऑफिसर वगैरह, इंडिपेंडेंस उसको रखना है तो वो एसएसडी ऑफिसर वगैरह नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंस नहीं रखना है तो बन सकता है, क्लियर है, ये चीज को याद रखना। एक बार मैं वापस से इस पॉइंट को बोल दूं, अगर आप एसएसडी का एक टेन्योर खत्म करते हो या आईडी का टेन्योर खत्म करते हो और अगर आपको वापस एसएसडी बनना है तो 3 साल का कूलिंग पीरियड है, वो 3 साल में आप कंपनी में कुछ नहीं हो सकते, लेकिन आप एसएसडी हो, आपको वापस एसएसडी नहीं बनना है, ऑफिसर बनना है, तो आप इमीडिएटली बन सकते हो। हालांकि डिस्प्यूटेड है, अलग ऑथर्स अलग अलग चीज बोलते हैं, लेकिन मैंने आज रेगुलर बैच के अंदर इसका बहुत अच्छे से लॉजिक समझाया था 20-25 मिनट तक कि भाई क्यों एसएसडी ये दूसरा ऑफिस इमीडिएटली ले सकता है और क्यों एसएसडी बाद में एसएसडी बनना है तो ऑफिस नहीं ले सकता, तो ये चीज को याद रखना। यहां पे मैंने जो आंसर दिया है वो आईसीआई के हिसाब से दिया है, इसका आंसर डिस्प्यूटेड है, सो मैंने आईसीआई के हिसाब से दिया है। मैं बोलना चाहूंगा कि आईसीआई का आंसर आपने फॉलो करना क्योंकि आपको मार्क्स वो देने वाले हैं, मैं नहीं, हालांकि मैंने मेरे लॉजिक क्लियर कर चुका हूं, रेडी, लेट्स गो। पहला, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, ये ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, देखो
not more than value, not more than 20,000 or sum as may be prescribed. Entitled to a notice, 1,000 small shareholder, 1/10 of small shareholder. Signed by small shareholder proposing the appointment of small shareholder director. ठीक है, उसके बाद में बोला गया है पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड जो है ठीक है, उसके बाद बोला है पर्सन हु डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी मे ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर डायरेक्टर. ये पहले सवाल का जवाब हो गया. ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर आर द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर डायरेक्टर अंडर 164. ये हमको ऑलरेडी पता है 164 लगेगा. ठीक है, फिर टेन्योर, टेन्योर के ऊपर सवाल पूछा था तो तीन पीरियड का. ही शॉल नॉट बी लाइबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. फिर उसके बाद बोला है व्हेन ही सीज टू होल्ड ऑफिस डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी. सो नॉट पीरियड ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सीज टू होल्ड ऑफिस अ स्मॉल शेयर होल्डर इन द कंपनी बी अपॉइंटेड एज एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर मैनर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. शॉल नॉट वर्ड यूज किया है ऑलरेडी. Thus, who ceases to be a small shareholder director, thus ceases to be SSD, cannot be appointed as officer. अब ये ICAI का आंसर ही है, मेरा लॉजिक नहीं है, पर मैंने मेरा लॉजिक दे दिया था कि अगर उसको ऑफिसर बनना है पर SSD नहीं बनना है तो बन सकता है, पर ICAI के हिसाब से मैंने आंसर दिया है cannot be appointed as officer. अब रेगुलर बैच वालों को, क्वेश्चनर वालों को तो डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कोई दूसरा बुक रेफर किया है या तो फिर कहीं से पढ़ के आए हो तो, पर मैं रेगुलर बैच वालों के लिए मेरा लॉजिक यहां पर क्लियर कर दूं. SSD want to be officer, ठीक है, तो logically yes he can be if he don't want to maintain independence. But as per ICAI he cannot be, ठीक है. जो मेरे स्टूडेंट है रेगुलर के रहे फास्ट ट्रैक बूस्टर के रहे वो प्लीज इसका फोटो खींच के रखिए, गो फॉर इट फास्ट या लिख लीजिए मेक नोट्स के कॉलम में. डन बच्चों, हो गया, बहुत बढ़िया. आ जाइए नाउ नीचे 38. Messrs. Bharat Pharma Limited is a company listed with the Bombay Stock Exchange. ठीक है, ये सवाल हो गया दूसरा 38 वाला. Listed with the Bombay Stock Exchange. Listed आ गया मतलब SSD लग गया. The company is having 500 small shareholders and so they wanted to appoint Mr. A as a director to represent the board of directors of the said company. Mr. A is holding 1000 equity shares of 10 each or is the said company. मतलब 10,000 ही hold कर रहा है वो. State the light of the Companies Act whether a proposal to appoint A as a small shareholder director can be adopted by company. Yes, it can be adopted provided he is qualified. वो qualified होना चाहिए to become a ID, independent director. Qualified to be ID, independent director. कहीं ये shareholding उसका independent director से उसको रोक ना ले. Clear? So नीचे. Examine if Mr. A is holding a position of small shareholder director in more than two companies. अगर दो companies या उससे ज्यादा है तो यहां पर SSD नहीं बन सकता. ठीक है, तो यहां पर मैंने provision quote किया SSD के कि किस तरीके से appoint होगा, कितने लोग apply करेंगे, etc. ये normal provision है. provision एक बार मैं पढ़ लू, बार बार हम नहीं पढ़ पाएंगे. So सबसे पहले applicable to listed company, small shareholder entitled to make a notice. उसके बाद में कंपनी 1000 स्मॉल शेयर होल्डर 1/10 विच एवर इज लोअर अप्लाई करेंगे. नोटिस शुड बी साइंड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट और एक पर्सन मैक्स नॉट मोर देन टू कंपनीज एट द सेम टाइम SSD होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो अलाउ नहीं किया जाएगा. क्लियर है? सो यहां पर जो आंसर दिया है द स्मॉल शेयर होल्डर एलिजिबल टू गिव अ नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शॉल बी 1000 और 1/10 ऑफ 500 दैट इज 50 स्मॉल शेयर होल्डर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. सो 50 कैन अप्लाई फॉर द नोटिस. वेदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस स्मॉल शेयर होल्डर इज फुलफिल्ड आर फुलफिल्ड और नॉट इज नॉट क्लियर सिंस द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द नोटिस हैज बीन गिवन सो बाय सम शेयर होल्डर. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी फुलफिल हो चुका है. उन्होंने बोला है सम शेयर होल्डर अप्लाइड, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50 लोगों ने अप्लाई किया होगा. सो यहां अजम्पशन कि इट इज फुलफिल्ड, अज्यूम्ड दैट 50 SSH आप लिख के रखिए, सब जन लिख के रखिए, गेव नोटिस.
Clear again, sir? If a notice is given by 50 or more small shareholders, Bharat Pharma, the company shall adopt the process given under Rule 7 for appointment of small shareholder director. ठीक है? फिर neither Section 151 nor 7 any eligibility criteria, कोई eligibility criteria नहीं बोला है for small shareholder director. So any person may be appointed as a SSD. Now in this case 1000 may be appointed as a small shareholder director. Provided, यहां add कीजिए word, वो small shareholder director बन सकता है, provided eligible for ID. For independent director. If Mr. A is already holds a position of small shareholder director in two companies, he cannot be appointed as small shareholder director in Bharat Pharma Limited. Concluded. अगला सवाल 39. Referring to the provisions of the Companies Act 2013, examine the following. Mr. Intelligent was appointed as a small shareholder director of XYZ Limited. Intelligent को XYZ Limited का SSD बनाया गया, which is in a business of oil refining. Subsequently, A Limited and B Limited have also appointed him as a small shareholder director. Is appointment valid? तो simply बोला गया है, Intelligent SSD XYZ का है, ऑयल रिफाइनिंग में, सब्सिक्वेंटली ए बी लिमिटेड ने भी उसको अपॉइंट करना था, अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या? तो एक ही कंपनी में वो ले सकता है, अगर वो कॉम्पिटेटिव कंपनी नहीं है तो मैक्सिमम दो ही, पर ए और बी दोनों नहीं ले सकता. ठीक है, तो नीचे अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर की हमने प्रोविजन लिखी, जिसके अंदर हमने बोला स्ट्रेट अवे हमने वही प्रोविजन मेंशन की कि इन मोर देन टू कंपनीज अलाउड नहीं है एंड शॉल नॉट बी अपॉइंटेड इफ द बिजनेस आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, तो यहां पे आंसर देखो, कंसीडरिंग अबव प्रोविजन अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर इंटेलिजेंट इन बोथ ए बी लिमिटेड इज इनवैलिड, हाउएवर ही कैन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट इधर इन ए लिमिटेड और इन बी लिमिटेड. ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ टू कंपनीज नॉट हैविंग अ बिजनेस इन कॉन्फ्लिक्टिंग विद द बिजनेस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड. ठीक है, अच्छे से आंसर किया है. आगे क्वेश्चन 40. The board of directors of Messrs. ABC Limited, an unlisted company having paid up share capital of 6 crore, consisting of equity share capital of 5 crores and preference share capital of 1 crore. पहले ही उन्होंने बोल दिया कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड. जहां अनलिस्टेड बोर्ड आ गया वहां एसएसडी तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता एसएसडी आने का. ठीक है, एंड ऑल्सो 1100 स्मॉल शेयरहोल्डर, सभी इन्फॉर्मेशन अब वायात हो गया, अनलिस्टेड बोला ना बात खत्म, लिस्टेड चाहिए भैया. Is it necessary for a company to appoint a director of small shareholder? सीधा आंसर है no. In case of company decides to appoint a director, the procedure to be followed by company for such a appointment and the period for which such a appointment can be made, advise and explain. तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि 151 applicable तो नहीं है, पर recommend किया जा सकता है, आप चाहो तो ये use कर सकते हो, recommended. मतलब जो 151 की procedures है वो provision के तौर पे आप लिख सकते हो. मैं चाहूंगा इसका आंसर पढ़ो सेक्शन, हालांकि क्वेश्चन इतना काम का नहीं है, बट फिर भी एक बार आंसर पढ़ लो. गो फॉर इट फर्स्ट. डन हो गया सबका, पढ़ना हो गया. मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर है 41.
यहाँ पूरा एसएसडी का मैंने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट प्रोसीजर पूछा तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। 41 निमुंच फार्मा लिमिटेड इज ए कंपनी लिस्टेड विथ मालारगढ़ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मालघर स्टॉक एक्सचेंज, सम मतलब लिस्टेड है, ठीक है, तो लग जाएगा, सम स्मॉल शेयरहोल्डर्स ऑफ द सेड कंपनी वांट टू अपॉइंट अवधेश एज अ डायरेक्टर, अवधेश, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेड कंपनी मिस्टर अवधेश इज होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऑलरेडी देखा है, रिपीट सवाल है, काइंड ऑफ सेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिलेशन टू प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अवधेश, रिपीट क्वेश्चन है, पढ़ लेना होमवर्क, ठीक है, खुद कर लेना। आगे ये होने के बाद में अगला वाला सवाल, लेट्स गो, सम स्मॉल शेयर होल्डर, क्वेश्चन नंबर 42, सम स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ टीआरजी लिमिटेड अ कंपनी लिस्टेड इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड ऑन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वांट टू अपॉइंट अ राज हु इज होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच इन अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, अगेन रिपीट सवाल, एक टाइप के कितना नाम चेंज कर करके पूछे है, ठीक है, रिपीट होमवर्क, पढ़ लेना एक बार, सेम सवाल हमने सॉल्व किया है, 1000 शेयर्स 10 रुपीज वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इच एज इट्स पेड अप कैपिटल, ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी देर आर 20,000 शेयर होल्डर्स who are holding the shares of nominal value of not more than 20,000 each. Shareholders, 20,000 shareholder hai, are holding shares of nominal value of not more, मतलब 20,000 shareholder है जो small shareholder है, कितना confusion किया है, देखो 20,000 shareholder holding shares of not more than 20,000 rupees. Are you understanding? मतलब confusion दिया है, तो मतलब simply 20,000 small shareholder है, चाहिए तो side में लिख के रखो 20,000 SSH. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर हु वांट टू अप्लाई फॉर दी शेयर्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी बाय इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस हैज बीन अलॉटेड अ शेयर्स वांट टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट एंड टू गेट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन अ कंपनी अ टोटल नंबर ऑफ 1500 सच अ स्मॉल शेयर होल्डर डिसाइडेड टू प्रपोज मिस्टर एक्स एज देयर कैंडिडेट 1500 चलेगा हमको तो 1000 और 1/10 में से कुछ विचेवर इज लोअर भी चलता है तो यहां तो 1500 है ठीक है इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट प्रोवाइडेड डिटरमाइन व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बताइए कि कौन सा प्रोसेस शुड बी फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर टू हैव मिस्टर एक्स एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंड व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू हिज स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड व्हाट एक्सेप्शंस आर अवेलेबल टू हिम इन रिलेशन टू हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर सो पूरी प्रोविजन यहां पर लिखनी है सिंपली मैं स्मॉल शेयर होल्डर की सभी प्रोविजन यहां पर कोट करूंगा पहले लिस्टेड कंपनी लिखूंगा फिर स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन लिखूंगा फिर अप्लीकेशन कौन करेगा वो लिखूंगा फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन बन सकता है या उसका किस तरीके से डिटेलिंग देना है वो लिखूंगा देखिए सेम फॉर्म में मैंने आंसर दिया हुआ है फिर स्टेटस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर में लिखूंगा कैसा होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह फिर उसके बाद में कितने साल का टेन्योर है कितना वैकेशन ये सब लिखूंगा यहां पे मैं बायफर्केट करके देता हूं देखिए सब प्रोविजन मैंने कोट किया पहला सबसे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया कि कौन हो सकता है हु कैन बी एसएसडी और कैसे फिर मैंने मेंशन किया अप्लीकेशन फॉर स्मॉल शेयर होल्डर ठीक है फिर नोटिस कितने दिन की ठीक है ये मैंने मेंशन किया फिर उसके बाद में मैंने डिटेल्स दिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के डिटेल ठीक है फिर उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए आईडी फिर उसके बाद में उसका टेन्योर एंड उसका नेचर मेंशन किया और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया क्लियर है ये चीज को याद रखना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेसर्स दिव्या स्टील्स एंड एल्यूमिनियम लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 15 करोड़ ठीक है लिस्टेड कंपनी 15 करोड़ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कैपिटल है 1001 स्मॉल शेयर होल्डर होल्डिंग इक्विटी शेयर सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इज इट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू अपॉइंट अ डायरेक्टर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर नो इट इज नॉट मैंडेटरी पर इफ यू अप्लाई
देन इट इज रिक्वायर्ड, देन मैंडेटरी. इफ द कंपनी डिसाइड्स टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मतलब सुमोटो अपॉइंटमेंट की वो बात कर रहे हैं. कंपनी डिसाइड्स द अपॉइंटमेंट, मतलब यहां पे बात कर रहे हैं सुमोटो अपॉइंटमेंट. तो हम यहां पे प्रोसेस लिखेंगे सुमोटो अपॉइंटमेंट की, जनरल मीटिंग को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाली. वेदर सच अ डायरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो पहली बात एसएसडी आईडी के लिए जैसा होना चाहिए, पर एसएसडी आईडी के जैसा होना चाहिए, बट ही इज नॉट काउंटेड फॉर आईडी. मतलब आईडी का नंबर जब काउंट करेंगे कि कितने आईडी है कंपनी में, तब एसएसडी काउंट नहीं होगा. नॉट काउंटेड फॉर नंबर ऑफ आईडीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये चीज को याद रखना है. ठीक है. व्हेन डज अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर वैकेट हिज ऑफिस, सो ऑब्वियसली नॉर्मली 3 ईयर्स के बाद में, या 164 लगा तो या 167 लगा तो. क्लियर है. एडवाइस सुटेबली इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन, तो मैंने तो सभी आंसर यहां पे दे दिए. पहली बात तो ये मैंडेटरी नहीं है, कंपनी सुमोटो कर सकती है. फिर सुमोटो का प्रोसीजर्स दे दो. फिर एसएसडी ये आईडी जैसा होता है, पर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मिनिमम नंबर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मिनिमम नंबर होता है 1/3 या 2 डायरेक्टर आगे आएगा, पर उसके अंदर हम एसएसडी को कैलकुलेट नहीं करते. वैकेट कब करेगा, तो 3 ईयर्स के बाद वैकेट करेगा, 164 या 167 में भी वैकेट करेगा. नीचे आंसर दिया है, मैं चाहूंगा एक बार रीड करके देखिए. गो फॉर इट फास्ट. सवाल अच्छा था, स्टार मार्क करके रखना. ठीक है, गो फॉर इट फर्स्ट. एवरीबॉडी कैसे हो? उसके बाद में अब हम अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं. बड़े अच्छे से ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 45 पे हम जा रहे हैं. इसका सवाल इतना लंबा चौड़ा कर दिया मैंने, जवाब काफी लंबा चौड़ा दे दिया है. ठीक है, पर आपको इतना सारा लिखना नहीं है. मैं हमेशा कहता हूं, मैं आंसर देता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से. एग्जाम में आपने सिर्फ रिलेवेंट लिखना है. ठीक है, एक बार वापस बोल दूं, मैं आंसर देता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से. एग्जाम में आपने सिर्फ रिलेवेंट लिखना है. ठीक है. चल, मिस्टर के इज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन एम मेसर्स के जी पी टायर्स लिमिटेड. ठीक है, ही इज अ स्मॉल शेयर होल्डर इन के जी पी टायर्स लिमिटेड. ऑन 1 अप्रैल 2018 मेसर्स वीएसआर कॉटन मिल्स लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इन कंप्लायंस विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट मेसर्स केजीपी टायर्स लिमिटेड हैज नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट ड्यू ऑन 1 जुलाई 2018 इन द लाइट ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव एग्जामिन द फॉलोइंग अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर द ऑफिस ऑफ के अ स्मॉल शेयर. जबरदस्त सवाल. सेक्शन नंबर 164 सब सेक्शन 2 प्लस सेक्शन नंबर 151 लग गई तुम्हारी. क्रॉस रेफरेंस वाला सवाल है, स्टार मार्क करके रखो. 164(2) में अगर आपने डिपॉजिट्स पे नहीं किए तो क्या स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर ऑफिस वैकेट करेगा, ये सवाल है. ठीक है. सो वेदर द ऑफिस ऑफ मिस्टर के स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर शॉल बिकम वैकेंट. यहां पे ये अजम्पशन है कि कंपनीज आर लिस्टेड. अजम्पशन बोला है, अपॉइंट किया मतलब अजम्पशन इज इक्वल टू कंपनीज आर लिस्टेड. ये बेसिक अजम्पशन है यहां का, ये लिख के रखना. ठीक है, लेट्स गो. शॉल बिकम वैकेट, कब ऑफिस वैकेट होगा?
भैया डिस्क्वालिफिकेशन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी लगता है, सेट द पीरियड फ्रॉम विच द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शॉल बिकम वैकेंट। ठीक है, तो पहले स्मॉल शेयर होल्डर का कच्चा चिट्ठा लिख के रख दिया। फिर इन अ गिवन केस डिस्कस एज फॉलोज, इन द इंस्टेंट केस नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। अच्छा, प्रोविजन में आपको दो चीजें लिखनी है। ठीक है, यहां पे देखो, आप पहले पार्ट में मैंने मेंशन किए हैं एसएसडी के प्रोविजंस, और फिर दूसरे पार्ट में आप देख सकते हो मेंशन किए हैं 164 के प्रोविजन। ये दोनों लिखना जरूरी है, क्लियर है कांसेप्ट? फिर उसके बाद में देखो आंसर में, 1 जुलाई नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन अ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नहीं किया तो भी तो डिस्क्वालिफाइड हो। डिपॉजिट सॉरी इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018 अंडर सेक्शन 164(2)(b) ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑकर्स ऑन अ पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट और पे इंटरेस्ट एंड सच अ फेल्योर टू पे रिडीम कंटिन्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। अकॉर्डिंगली फॉलोइंग आर द आंसर, यस द ऑफिस ऑफ मिस्टर के शॉल बिकम वैकेंट इन VSR कॉटन मिल्स लिमिटेड एज ही इज बिकम डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2)(b) ऑन 1 जुलाई बट नॉट इन KGP टायर्स लिमिटेड बिकॉज वो डिफॉल्टिंग कंपनी है और आपको डिफॉल्टिंग कंपनी में ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कांसेप्ट? ये चीज को याद रखना, और ऑफिस 1 जुलाई से वैकेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल था। क्लियर है कांसेप्ट? ये चीज को याद रखना। चलो, यहां SSD के सवाल खत्म होते हैं। ये दो सवाल अच्छे हैं जो मैंने मार्क करके दिए हैं, प्लीज इनको रिविजन के लिए याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 152 के ऊपर आते हैं। 152 में आप कई सारी सिचुएशन है। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एट जनरल मीटिंग, डायरेक्टर शॉल होल्ड दिन डिक्लेरेशन सबसेक्शन नंबर 5 कंसेंट अंडर DI-2, 6-7 रोटेशन नॉन रोटेशन। तो मैक्सिमम सवाल तो रोटेशन नॉन रोटेशन के ही रहेंगे, पर बचे हुए भी सवाल आते हैं। तो जो सिर्फ क्वेश्चनर बैच देख रहे हैं, इन्होंने 152 का एक चार्ट क्रिएट करना, क्वेश्चनर जो सिर्फ देख रहे हैं उसके अंदर सबसेक्शन वाइज लिखना कि हर सबसेक्शन में क्या क्या प्रोविजन मेंशन किया है। रेगुलर बैच में हमने ऑलरेडी ये चार्ट ड्रॉ किया है। क्वेश्चनर डिस्कशन जो देख रहे हैं, जब तक आप 152 के पूरे 7 सबसेक्शन का चार्ट क्रिएट ना कर लो सबसेक्शन वाइज, तब तक ये क्वेश्चनर डिस्कशन मत देखना, आपको हो सकता है बहुत कंफ्यूजन हो। क्लियर है कांसेप्ट? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ए एंड बी वेयर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ऑन 4 अप्रैल 2014 ऑफ सनग्लास लिमिटेड, देयर आफ्टर सी डी ई वेयर अपॉइंटेड। मतलब देखो, अब मेरे को ये 152(6)(7) रोटेशन नॉन रोटेशन का सवाल लिख रहा है, इसलिए मैं ले रहा हूं पहले। ठीक है, ए और बी फर्स्ट डायरेक्टर है तो इनको तो अप्लीकेबल है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन के बाहर है। सी डी वे आर अपॉइंटेड ऑन 6 जुलाई 2014, एफ जी एच वे आर ऑल्सो अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन 7 अगस्त 2014। मतलब सी डी ई पहले आए, इनको अप्लीकेबल है, एफ जी एच आए, इनको भी अप्लीकेबल है रोटेशन नॉन रोटेशन की प्रोविजन। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर को तो फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेप्ट जहां पे खत्म होता है वहां रोटेशन नॉन रोटेशन शुरू होता है, इसलिए हम फर्स्ट डायरेक्टर को काउंट ही नहीं करते। क्लियर है? एफजीएच इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड आफ्टर अबव अपॉइंटमेंट, ए एंड बी वेयर प्रपोज टू बी रिटायर्ड बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हेल्ड आफ्टर अबव अपॉइंटमेंट। उसके बाद ए और बी ये प्रपोज हुए थे रिटायर बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटेड, मतलब इनका तीसरा टेन्योर है। रीअपॉइंटमेंट तो टेन्योर नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट एजीएम रेजोल्यूशन फॉर हिज रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट वॉज पास्ड, हाउएवर बिफोर रेजोल्यूशन फॉर बी कुड बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन द मीटिंग वॉज एडजर्न, मीटिंग एडजर्न हो गई। इन द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, खतरनाक सवाल है, इन एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द सेट रेजोल्यूशन कुड नॉट बी टेकन एंड मीटिंग वॉज एंडेड विदाउट पासिंग अ रेजोल्यूशन। तो बी भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हुआ, मतलब ए और बी बहुत अच्छे से रीअपॉइंट हो गए हैं, तो टेन्योर नया शुरू हो चुका है। इन द लाइट ऑफ अबव रेफरेंट रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, वेदर प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी ओनली वेयर सफिशियंट, वॉट विल बी द स्टेटस ऑफ बी एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। पहली बात तो एफ जी एच वेयर अपॉइंटेड, सी डी अपॉइंटेड, इन एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड आफ्टर द अबव अपॉइंटमेंट बोला है, मतलब ए बी। अब टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर कितने हैं, 3 और 3, 6 और 2, 8 और बोला है सभी नियरली रोटेशनल, मतलब कुछ नहीं बोला है तो मैं कंज्यूम करूंगा ऑल 8 डायरेक्टर्स आर रोटेशनल। अब सवाल है वेदर प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन
and reappointment of AB were only sufficient, only were sufficient, what will be the status of B as a director in company? B reappoint हो जाएगा automatically. और अगर मैं बात करूं कौन retire होगा आने वाले AGM में, तो 8 का direct 1/3 हम लेंगे, because all director rotational है, तो 1/3 directly retire होंगे. 8 का 1/3 आएगा, 2.67, मतलब 3 directors retire होंगे, तो 3 जो retire होंगे वो है C, D और E. C, D and E will retire. Appointed as first. ये जब AB first director थे तब तो उनका कुछ नहीं हुआ, पर वो बाद में reappoint हुए तो उनका tenure वापस नया शुरू हुआ, तो हम AB को यहाँ पे नहीं ले सकते, clear है? लेकिन यहाँ एक confusion है. हाँ, AB तो बाद में अपॉइंट हुए ना, obvious ही बात है, ये AGM में अपॉइंट हुए, CDE FGH के बाद अपॉइंट हुए, तो AB anyways last अपॉइंट हुए है, तो last अगर AB अपॉइंट हुए है तो उनका कोई सवाल नहीं. क्वेश्चन ना काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब मेरे को सही का सवाल नहीं लग रहा है, ये कुछ गलत सवाल लग रहा है. इन्होंने बोला है कि देखो यहां पे वर्डिंग यूज किया है, प्रपोज टू बी रिटायर बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर. रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर बोल दिया, मतलब जब फर्स्ट डायरेक्टर थे और जब रिटायर हो रहे थे तब वो वापस से करके डायरेक्टर करके अपॉइंट हो चुके हैं. At a AGM, resolution for A's reappointment was passed. However, before the resolution of B could be taken up for consideration, the meeting was adjourned. Meeting adjourned हो गई थी और B automatically reappoint हो गया उस AGM में. ठीक है, मतलब ये obviously CD और FGH के बाद appoint हुए, तो retire होते वक्त तो CD ही retire होंगे. What सवाल है, whether the proposal of retirement of rotation and reappointment of A and B only were sufficient? Yes. रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन सफिशियंट था. व्हाट विल बी स्टेटस ऑफ बी एज अ डायरेक्टर इन कंपनी? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल. पर इसमें मेरे को दिक्कत यह है, अगर ये फर्स्ट डायरेक्टर है और बी ये रिटायर होने वाला है, हालांकि फर्स्ट डायरेक्टर का रिटायरमेंट नहीं होता, फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर होता है, तो फर्स्ट डायरेक्टर कभी भी एजीएम में ऑटोमेटिक रिटायर नहीं होता. जब तक कि आप रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते तब तक आप ऑटोमेटिक रिटायर नहीं होता. तो अगर फर्स्ट डायरेक्टर बी है, फर्स्ट डायरेक्टर में बी था ना, और वो अगर एजीएम में बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक रिटायर रीअपॉइंटमेंट की, तो नहीं हो सकता लॉजिकली. पर अब मुझे सवाल ही थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि ए और बी के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं करना चाहिए था कि उनका रीअपॉइंटमेंट या रिटायरमेंट होगा. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सीडी के डिस्कशन के बारे में करना चाहिए था कि सीडी रिटायर होंगे या रीअपॉइंट होंगे. ठीक है, बट फिर भी एक बार आंसर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं. बट क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पहले इन्होंने बात करनी चाहिए सीडीई के रिटायरमेंट की, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसके बाद में ए और बी की बात आएगी, बिकॉज ए और बी तो फर्स्ट डायरेक्टर थे, उनका टेन्योर तो पहले एजीएम में खत्म हो गया होगा, फिर वो रीअपॉइंट हुए होंगे, तो इन्होंने सीडीई का रिटायरमेंट स्किप कर दिया और ए और बी के रिटायरमेंट पर ही डिस्कशन ले लिए, जो मुझे नहीं लग रहा. क्वेश्चन, आई गेस क्वेश्चन इज रॉन्ग, मेरे हिसाब से इट इज रॉन्ग. ठीक है, फिर भी अगर आंसर चाहिए तो इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है और रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है. आंसर चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिए, बट मुझे क्वेश्चन ही जस्टिफाइड नहीं लग रहा है. आंसर मस्त देके रखा है मैंने, कंसेप्चुअल क्रेडिट ताकत ताकत से लंबा चौड़ा. चलो आ जाइए अगले सवाल पे. 47. Annual General Meeting of the Amba Limited is scheduled to be held in compliance with the provision of the Companies Act 2013. Hold a second. Annual General Meeting of Amba Limited is scheduled to be held in compliance of the provision of the Companies Act 2013. Please advise the company in relation to retirement of director. Advise the company in relation to retirement of director. Which of the existing directors shall retire by rotation and be eligible to be re-elected? Direct sawal actually hai.
डायरेक्टर के नाम तो दिए नहीं है, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, इन केस ऑफ वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रिटायरमेंट एंड मीटिंग कुड नॉट डिसाइड हाउ सच अ वैकेंसी शुड बी डेल्ट विद, व्हाट इज द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. डायरेक्ट सवाल है, एक बार आंसर पढ़ लीजिए. ठीक है, डन. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48. ठीक है, वो पढ़ लेना आराम से क्योंकि डायरेक्ट ही सवाल है. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेसर्स एक्स वाई लिमिटेड प्रोवाइड फॉर 5 डायरेक्टर्स एंड ऑल 5 डायरेक्टर्स आर इन पोजीशन. हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर एट द इंश्योर एनुअल जनरल मीटिंग. अब 5 डायरेक्टर्स आर इन पोजिशन बोला है, उसमें से रोटेशनल नॉन रोटेशनल नहीं बोला है. अब इसमें आप दो असम्पशन ले सकते हो. एक तो आप ये अज्यूम कर सकते हो ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रोटेशनल. आप कितने अजम्पशन ले सकते हो, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इधर रोटेशनल, ये अजम्पशन ले सकते हो, या आप अजम्पशन ले सकते हो कि 2/3 आर रोटेशनल और 2/3 का कैलकुलेशन आपको देना पड़ेगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना सर. मोस्ट अप्रोप्रिएट अजम्पशन क्या होगा, कोई भी ले लो, दोनों अजम्पशन सही है, बोथ अजम्पशन आर राइट, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है तो हम दे सकते हैं कि बोथ अजम्पशंस आर राइट. अब यहां पे देखो क्या अज्यूम किया गया है. पहले तो पूरा डायरेक्ट आंसर लिख लेना आपको जो 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 पता है, और फिर नीचे इन द गिवन केस डिस्कस्ड एज फॉलोस. प्रेजेंट केस हमने 2/3 वाला लिया है. नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द 5 डायरेक्टर्स शॉल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, हेंस 4 डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, जिसका 1/3 मतलब 1.3 मतलब एक डायरेक्टर विल रिटायर. सो 1 डायरेक्टर हु इज लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस शॉल रिटायर. क्लियर है आंसर? चलो अगला क्वेश्चन 49. एबीसी लिमिटेड इज द इन इट्स फर्स्ट जनरल मीटिंग अपॉइंटेड 6 डायरेक्टर्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लाइबल टू बी डिटरमाइंड बाय रोटेशन. यहां बोला है कि 6 डायरेक्टर्स है और 6 के 6 लोगों का पीरियड इज लाइबल टू डिटरमाइन रोटेशन, मतलब यहां पे उन्होंने बोल के रखा है ऑल डायरेक्टर्स आर रोटेशनल. अच्छा सवाल है, मतलब जिसने ठीक से नहीं पढ़ा ना. देखो अब ऑल डायरेक्टर्स आर रोटेशनल मतलब यहां पे 6 का सीधा 1/3 विल रिटायर, लेकिन जिसने ठीक से नहीं पढ़ा ना वो क्या करेगा, 6 का 2/3 निकालेगा, उसका 1/3 निकालेगा. ना, स्टार मार्क करके रखिए. ऑल द डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. सवाल अच्छा है, बड़े अच्छे से याद रखना. व्हाट विल, सो रिगार्डिंग रिटायर ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड द रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर. व्हाट विल इट मेक अ डिफरेंस इफ एबीसी कंपनी डज नॉट कैरी अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट. नॉन प्रॉफिट तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, आंसर सेम रहेगा क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंपनी को कोई एग्जम्पशन नहीं है. सो इन दिस गिवन केस 6 का सीधा 1/3. देखो all the directors are being appointed as rotational director, so AGM 1/3, that is 2 will retire. 2 directors who has been longest in office will retire. No special provision exists for a company does not carry business for profit, hence the answer will remains the same for ABC company does not carry business for profit. Clear hai? Marking kar lo, go for it fast. Sawal acha tha aakhir, kyunki jisne nahi padha na wo yahan fluke mein chala jayega rap pakad ke. डन. अगला सवाल, द प्रमोटर ऑफ द पब्लिक कंपनी प्रपोज टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज 11. दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वोल्टेम डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. मतलब यहां सिंपली बोला गया है कि भैया 11 में से एमडी WTD ये नॉन रोटेशनल रहेंगे. दे सीक योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग. मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर Not liable to retire by rotation, ये maximum 1/3 होनी चाहिए. मतलब 11 का 1/3 अगर हम देखें तो 12 4 2 8 मैक्सिमम 3 हो सकते हैं. मैक्सिमम 3 नॉन रोटेशनल हो सकते हैं. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्टर्स विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन इन एवरी ईयर एट एनुअल जनरल मीटिंग. अब 11 में से मिनिमम 2/3 शुड बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन. अब 11 का मिनिमम 2/3 मतलब अगर मैं देखा जाए तो 8 डायरेक्टर्स शुड बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन. सो 8 डायरेक्टर्स शुड बी रोटेशनल और जो रोटेशनल है उसका 1/3 मतलब 8 का 1/3 आएगा 2.67,
ठीक है, और 2.67 मतलब 3 रिटायर होंगे हर एजीएम में, पहले एजीएम में 3, दूसरे एजीएम, ये अभी आप ही लिखोगे। हाँ ये खास बात है, रेगुलर बैच में मैंने बोला था जब 8 डायरेक्टर रोटेशनल होते तो किस तरीके से, तो फर्स्ट उसके बाद की जो पहली एजीएम है, पहले एजीएम में 3 रिटायर होंगे, सेकेंड एजीएम में भी 3 रिटायर होंगे, 3 रिटायर होंगे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, और थर्ड एजीएम में 3 रिटायर नहीं होंगे, थर्ड एजीएम में कितने रिटायर होंगे, सिर्फ 2 रिटायर होंगे, ये आपको खुद को लिख के देना पड़ेगा, बिकॉज 3 साल में बोर्ड रिफ्रेश होना चाहिए, 3-3-3 नहीं, 3-3-2, ये मैंने रेगुलर बैच के अंदर अच्छे से समझाया था कि जितने रोटेशनल है उनका बोर्ड 3 साल में रिफ्रेश होना चाहिए। जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देख रहा है और जो मुझसे नहीं पढ़ा उसको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, पर यह चीज को याद रखो, एक्सप्लेन करने का समय नहीं है मेरे पास में। 8 डायरेक्टर है तो पहले साल 3, क्योंकि हमारा नंबर 1/3 मतलब 2.67 मतलब 3 आने वाला है, तो पहले ईयर में 3, दूसरे ईयर में 3 और तीसरे ईयर में सेट ऑफ वाला नंबर रिटायर होगा। ये फ्रैक्शन के सिचुएशन में सिचुएशन बहुत अलग होती है, क्वेश्चन एयर वालों को बोल दूं मैं, बहुत अलग सिचुएशन होती है, तो उस केस में सेट ऑफ वाला नंबर तीसरे ईयर में हम रिटायर करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग मेरा स्टूडेंट है उससे आप समझने की कोशिश कर सकते हो क्वेश्चन एयर वाले, तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है, लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगला। सो ये दोनों सवालों का मैंने जवाब दे दिया, तो इसके अंदर पहले मैं प्रोविजन लिखूंगा और फिर उसके बाद में मैं आंसर लिखूंगा। इन अ गिवन केस डिस्कस्ड एज फॉलोस, 2/3 डायरेक्टर शुड बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब मिनिमम 8 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स कैन बी नॉन रोटेशनल, 8 में से 2.67 मतलब 3 रिटायर होंगे, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर कैन बी नॉन रोटेशनल, मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल्टेम डायरेक्टर, नियरेस्ट टू 1/3 विल रिटायर, दैट इज 3 डायरेक्टर विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन बट इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। लेकिन यह नहीं बोला है, उसके अंदर लिखना फर्स्ट एजीएम, इन्होंने लिखा नहीं, अपन लिखेंगे फर्स्ट एजीएम 3 डायरेक्टर्स विल रिटायर, सेकेंड एजीएम 3 डायरेक्टर्स विल रिटायर, थर्ड एजीएम में कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, ओनली 2 डायरेक्टर्स विल रिटायर, ये हमको समझा के देना पड़ेगा। और साथ में सेंटेंस लिखना कि 3 साल में रोटेशनल बोर्ड इन थ्री इयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच आर रोटेशनल शुड रिफ्रेश, तो कुछ एक्स्ट्रा रिटायर करके मत आना। ये आंसर अगर आप लिखोगे तो आप इकलौते रहोगे जो ऐसा आंसर लिख रहा है, क्योंकि हमने उसको एंड तक देखा है कि 3 साल, फिर 6 साल का हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि 6 साल में किस तरीके से वर्क करता है, याद है। सो पहले साल 3 जन, दूसरे साल 3 जन, फिर 8 में से 6 रिटायर हो गए, अब बचे कितने ओल्ड वाले, सिर्फ 2, तो वो 2 रिटायर होंगे, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, क्योंकि 3 साल में बोर्ड रिफ्रेश करना है, खत्म नहीं करना है। आगे 51 नंबर का क्वेश्चन, मॉक टेस्ट October 19, एटर्नल लिमिटेड वोल्यून गवर्नमेंट कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ 10 डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड विद अ सब्सिडरी कंपनी एवरग्रीन लिमिटेड हैविंग 9 डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन इन एटर्नल लिमिटेड एट एजीएम 10 डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड 10 डायरेक्टर बोर्ड पे थे तो 10 में से अब यहां 10 डायरेक्टर अगर बोर्ड पे है तो 10 का 2/3 रोटेशनल मिनिमम मतलब 6.67 बराबर है क्लियर 6.67 मतलब 7 डायरेक्टर्स रोटेशनल है हा ना ये सुनो और उसके बाद में नंबर ऑफ डायरेक्टर लायबल टू 7 का 1/3 विल रिटायर मतलब 2.33 मतलब एक्चुअल कितने रिटायर होंगे रिटायर 2 ठीक है नंबर ऑफ डायरेक्टर लायबल टू रिटायर इन एवरग्रीन लिमिटेड 9 का 2/3 दैट इज 6 डायरेक्टर आर रोटेशनल रोटेशनल का 1/3 2 डायरेक्टर रिटायर ठीक है बाकी उन्होंने कुछ नहीं बोला ना ऑल रोटेशनल वगैरह है करके नहीं एवरग्रीन सब्सिडरी में उतने व्हाट इज अ लीगल सिचुएशन इन केस ऑफ एटर्नल लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन वैसे ही अप्लाई हो जाता है ये तो हमने देखा है लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी का भी सेम सिचुएशन होगा उसको प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगी सो तो यहां पे बोला गया है आंसर में देखिए पहले तो हम प्रोविजन जैसे कि वैसे कोट कर लेंगे पूरा रोटेशनल नॉन रोटेशनल कैसे रिटायर होते कितने रिटायर होते हैं वो और उसके बाद में एवरग्रीन लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एटर्नल लिमिटेड सो रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल हियर पर ये पब्लिक कंपनी है ना एक सेकंड होल्ड क्या सवाल है देखने दो वापस अच्छा
वोल्यून गवर्नमेंट कंपनी है। ओए भाई, मैं आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वोल्यून गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको अप्लीकेबल नहीं होगा इसमें से कोई भी। ये जितना कैलकुलेशन मैंने लिखा, मैं पागल है, हाँ, कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा इनका। सबका रिटायरमेंट रोटेशन इनके सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाँ, अगर लिस्टेड है तो आप कैलकुलेशन दे सकते हो, क्लियर है। और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, वोल्यू ऑन सब्सिडरी, तो ऐसे सिचुएशन में वोल्यू ऑन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, एंड एवरग्रीन हैविंग 9 डायरेक्टर्स, तो दोनों को ये अप्लीकेबल नहीं होगा। सो लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, देन सेक्शन 152(6) विल बी एप्लीकेबल। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स ठीक से फाइल किए होने चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में अगर 10 डायरेक्टर है तो 7 डायरेक्टर में से 2 मस्ट रिटायर इन एवरी ईयर, क्लियर है। ये चीज को याद रखना, स्टार मार्क करके रखना। जबरदस्त सवाल है, मैं भी कंफ्यूज ही आ गया, मतलब मस्त सवाल है, क्लियर है, ये चीज को याद रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। टू आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स ऑन अ बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड हैव रिटायर्ड बाय रोटेशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। दीज टू वैकेंसीज और प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फील्ड, ये नहीं फिल अप किए गए हैं। द मीटिंग हैज ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फील द वैकेंसी। सिंस AGM कुड नॉट कंप्लीट इट्स सब बिजनेस, इट इज एडजर्न टू अ लेटर डेट। एडजर्न भी हो गई बोले, इट इज एडजर्न टू द लेटर डेट। नीदर द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर कुड बी फिल्ड अप एट दिस एडजर्न मीटिंग, नॉर डिड द मीटिंग एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी। एनालाइज एंड अप्लाई वेदर इन सच अ सिचुएशन द रिटायरिंग डायरेक्टर शॉल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एडजर्न मीटिंग। खुद ही आंसर दे दे रहे, खुद ही आंसर दे, हाँ भाई डीम्ड टू बी, अब हम क्या लिखे इसके अंदर, प्रोविजन लिखेंगे, यस नो लिखेंगे। वॉट विल बी योर आंसर इन द केस द एडजर्न मीटिंग द रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वे आर लॉस्ट। हाँ, अगर रेजोल्यूशन पुट है और लॉस्ट है तो ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। हमने चार एक्सेप्शन देखे थे ना, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, अनविलिंगनेस, डिस्क्वालिफाइड, रेजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट, पांच देखे थे। स्पेसिफिक रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 162। पांच केसेस के अंदर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। वेदर सच ए डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन द केस ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल एन एनुअल जनरल मीटिंग, क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं इफ द डायरेक्टर डू नॉट कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। तो सिंपल सी बात है, आईसीआई के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, हमने देखा था। हालांकि वो चार केसेस रेगुलर बैच में हमने तोड़े थे, आईसीआई के हिसाब से एजीएम कॉल नहीं होती तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये चीज आईसीआई ने अलाउ की है, क्लियर है। सो आ जाइए, आंसर पढ़िए। इन द फर्स्ट केस द रिटायरिंग डायरेक्टर शॉल डीम टू हैव बीन रीअपॉइंटेड। सेकंड केस लॉस, द रिटायरिंग डायरेक्टर शॉल नॉट बी डीम टू हैव बीन रीअपॉइंटेड, पूरा प्रोविजन लिख के। थर्ड, 1/3 ऑफ डायरेक्टर शॉल रिटायर एट एवरी एजीएम, दे रिटायर एट द एजीएम एंड इट इज कंक्लूजन, हेंस दे विल रिटायर सून एज एजीएम इज हेल्ड। फर्दर एज पर सेक्शन 96, एवरी कंपनी अदर देन द वन पर्सन कंपनी शॉल इन ईच ईयर होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, हेंस इट्स नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू होल्ड एजीएम। हियर बाय दिस डायरेक्टर will be liable to retire by rotation. Further, section 97 state कि अगर आपने 96-97 आपने अगर एजीएम नहीं ली तो ट्रिब्यूनल मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर मे कॉल द एजीएम, पर इसमें आंसर नहीं दिया, आंसर लिखो। इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड, साइड में लिखना, मेक नोट्स में, इफ एजीएम नॉट हेल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस, क्लियर है, ये चीज को याद रखना। अगला सवाल 53, इज इट पॉसिबल फॉर रिटायरिंग डायरेक्टर टू कंटिन्यू इन द ऑफिस बियॉन्ड द डेट ऑफ एजीएम विच हैड बीन एडजर्न ड्यू टू डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग, एक्सप्लेन। तो आंसर है यस, अगर कंक्लूड नहीं हुआ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, होमवर्क पढ़ लेना खुद में, छोटा सा सवाल है। अच्छा, ऊपर का सवाल स्टार मार्क करेगा ये वाला, नहीं जरूरत तो नहीं है, नीचे। Explain the circumstances under which director retiring at the annual general meeting shall be deemed to have been reappointed even though no such appointment has been made. Homework कर लेना, कब automatic reappointment होता है, ये लिखा है, direct सवाल है, direct सवाल है automatic reappointment का, question number 54, ठीक है, ये हमने already कई बार देखा है। हाँ 55 बड़ा सवाल लग रहा है। अच्छा, annual general meeting of Hero Limited has been scheduled in compliance with the requirement of Companies Act. In this connection, it has some directors who are rotational and out of which some have been reappointed, appointed long back. Some have been appointed on the same day. Decide in this connection. Which of the directors shall retire by rotation and will eligible for re-election? In two directors who are appointed on the same day, how would you decide who is retiring? Direct question again. ठीक है, मैं आंसर लिख के रखता हूं पहले।
विच ऑफ द डायरेक्टर शॉल बी रिटायर बाय रोटेशन एंड विल बी री एलिजिबल फॉर री इलेक्शन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस. लॉन्गेस्ट इन ऑफिस रोटेशनल डायरेक्टर्स विल बी लाइबल रोटेशनल विल बी लाइबल टू रिटायर. टू डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ऑन सेम डे म्यूचुअल एग्रीमेंट. दो डायरेक्टर एक ही दिन पे अपॉइंट हुए तो म्यूचुअल एग्रीमेंट और ड्रॉ ऑफ लॉट्स. क्लियर. इन केस ऑफ मीटिंग कुड नॉट बी डिसाइडेड हाउ द वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रिटायरमेंट टू बी डेल्ट विथ. मीटिंग कुड नॉट बी डिसाइडेड वैकेंसी इज कॉज्ड टू बी डेल्ट विथ व्हाट शुड बी कंसिडर्ड. सो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. व्हाट विल बी योर आंसर अज्यूमिंग दैट द मैटर कुड नॉट बी डिसाइडेड इवन एट द एडजर्न्ड मीटिंग. एडजर्न मीटिंग में भी नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. यहां तो पहले एडजर्न होगा मीटिंग फिर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. ठीक है एक बार आंसर पढ़ लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. चलो डन. अगले सवाल के ऊपर जाते हैं. विल्सन वॉज अपॉइंटेड इन एबीसी लिमिटेड एज ए डायरेक्टर एंड ही वॉज टू रिटायर बाय रोटेशन ऑन 1 सितंबर 2008 ऑन अकाउंट ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजन. एन्युअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी कुड नॉट बी हेल्ड ऑन द सेट डेट. एजीएम होल्ड नहीं की नॉर द वैकेंसी कॉज्ड बाय रिटायर कुड बी फिल्ड अप एट द एडजर्न मीटिंग. स्टेट रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट and decide whether Mr. Wilson shall be deemed to be retired on the 1st September when the meeting was scheduled to be held or he will retire, he will become a case of deemed reappointment. Original meeting ही नहीं हुआ. Annual general meeting could not be held for the said date nor the vacancy caused by retirement could be filled up in the adjourned meeting. Adjourned meeting में भी नहीं हुआ original में भी नहीं हुआ तो automatic reappointment हो सकता है. ठीक है सो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है. डीम टू बी रीअपॉइंटेड आंसर है यस. सवाल वैसे अच्छा था. इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन था. एजीएम हुआ नहीं ऐसा बोला है उन्होंने. अब एजीएम ही नहीं हुआ तो कैसे होगा जिंदगी में. ठीक है तो आंसर में देखिए आइए. द गिवन केस द डिस्कशन एज फॉलोज. एज देर इज नो डिसीजन टेकन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टर एज मीटिंग हैज नॉट रिजॉल्व टू नॉट फिल द वैकेंसी द रिटायरिंग डायरेक्टर विल ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड. दस मिस्टर विल्सन will be deemed to be reappointed unless he belongs from any other of the above exceptions. ठीक है उसके बाद में a company on the board of director consisting of following. question number 57 अच्छा दिख रहा ही है. ठीक है company on a board of director consists of following. पहला Mr. Active Archive as a nominee director from PFI. So Active Archive ये PFI के nominee है so ये gross total में से minus करने हैं. फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड अपॉइंटेड ऑन सेकंड एजीएम. ये काउंट करने हैं रोटेशनल नॉन रोटेशनल में. पीएफआई वाले काउंट करने हैं क्या नहीं. फोर्थ फिफ्थ अपॉइंटेड इन थर्ड एजीएम ये भी काउंट करने हैं. मतलब टोटल कितना हुआ यहां पे तीन थे यहां फोर्थ फिफ्थ मतलब प्लस टू हुए. ठीक है एडिशन वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर
ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, मिस्टर एडिशन वाज अपॉइंटेड एज रेगुलर डायरेक्टर एंड बच्चे उसको एडिशनल समझ ले, पर चलो अच्छा है यहां पे एडिशनल को एडिशनल डायरेक्टर ही बोला है, तो इसको हम माइनस करने वाले हैं, एडी माइनस, तो काउंट नहीं करना है। मिस्टर कैजुअल वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर सोल हु डाइड एंड वाज अर्लियर अपॉइंटेड ड्यूरिंग थर्ड एजीएम, तो इसको हम काउंट करना है, सो प्लस वन। लेकिन कैजुअल को हम काउंट नहीं कर रहे, हम ओरिजिनल को काउंट कर रहे हैं, ये मैंने बोला था कि कैजुअल अल्टरनेट में ओरिजिनल का क्या स्टेटस है, तो मिस्टर जो डाइड हुआ सोल उसको हम काउंट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को नहीं। मिस्टर एक्सलेंट वाज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सेकंड एजीएम, मैनेजिंग डायरेक्टर इसको काउंट करना है नॉन रोटेशनल में, प्लस वन, ठीक है, पर ये नॉन रोटेशनल है। मिस्टर वन मोर वॉज अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर एज सून एज मिस्टर एडिशन वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, एज सुन एज आफ्टर मिस्टर एडिशन, मतलब ये भी एडिशनल डायरेक्टर है, तो हम इसको वैसे भी काउंट नहीं करने वाले, तो कोई सवाल ही नहीं। तो एडिशनल डायरेक्टर दो नहीं है, एडिशनल डायरेक्टर यहां एक ही है, वैसे भी हम प्लस प्लस करते जा रहे, तो माइनस करने की इनको जरूरत नहीं है। लिस्ट आउट द ऑर्डर ऑफ द वैकेटिंग द ऑफिस इन द फोर्थ एजीएम, अच्छा अपॉइंटेड इन सेकंड एजीएम ना, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो पर्सन हु इज लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, तो टोटल डायरेक्टर 3 और 2 5 6 7, सात डायरेक्टर हैं यहां पे, सात का 2/3 रोटेशनल होना चाहिए, सो 7 डायरेक्टर, 7 का मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 3 × 2 6 2.33 आई गेस, ना 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 2.3, माय मिस्टेक, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 4.67, तो टोटल रोटेशनल डायरेक्टर्स रहेंगे 5, क्लियर है, 5 का 1/3 1.67 मतलब रिटायर होंगे 2, ठीक है, तो 2 डायरेक्टर हमको रिटायर करने हैं, तो जरा कैलकुलेशन प्रोविजन मैंने लिख के रखी, क्या 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 होना चाहिए इन द गिवन केस, सब लिख के रखा, सो गिवन केस टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टर्म्ड इन सेक्शन आर 9, आउट ऑफ दिस 9 मिनिमम नंबर ऑफ 6 डायरेक्टर्स शॉल रिटायर बाय रोटेशन, अब ये 9 बोले हैं, इसको थोड़ा सा चेक करना, 9 के हिसाब से बोले हैं, तो जरा देखना कुछ गलत हुआ है। अज्यूमिंग 2 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैव अपॉइंटेड 2 डायरेक्टर्स आर्काइव हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट शॉल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, फिर एक्सप्लेनिंग 156 इंडिपेंडेंट शॉल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सिंस एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड एंड इज नॉट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग एंड एडिशनल डायरेक्टर शॉल ऑलवेज बी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट ऑलवेज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, ही मे बी रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मैनेजिंग डायरेक्टर इज रोटेशनल नॉन रोटेशनल ही शॉल बी इंक्लूडेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कैजुअल सोल अज्यूमिंग सोल वॉज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर मिस्टर कैजुअल शॉल होल्ड ऑफिस अप टू मिस्टर सोल इज अपॉइंटेड, इन द गिवन केस टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द टर्म ऑफ सेक्शन इज 9, आउट ऑफ 9 मिनिमम 6 डायरेक्टर शुड बी रोटेशनल, दस मैक्सिमम 3 डायरेक्टर शॉल बी नॉन रोटेशनल, नहीं आंसर कुछ गलत दिया है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, एडिशनल डायरेक्टर को यहां पे इंक्लूड किया है, तो मैं ये आंसर को चेंज करना चाहूंगा, यहां पे 9 की जगह 7 करो बच्चों, आउट ऑफ टोटल 7 डायरेक्टर्स, ठीक है, 5 शॉल बी रोटेशनल, सो मैक्सिमम 2 डायरेक्टर शॉल बी नॉन रोटेशनल, ठीक है, तो ये चेंजेस कर लो प्लीज फटाफट, 7 7 5 2 कर लिए सबने, फिर नीचे उसके बाद फिर ये एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, सो मिस्टर एडिशन एंड मिस्टर वन मोर बीइंग एडिशनल डायरेक्टर्स, ये तो ऑब्वियसली फोर्थ एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस ये नेक्स्ट एजीएम तक का ही होता है, ठीक है, उसके बाद में आउट ऑफ 6 रोटेशनल, यहां पे 6 रोटेशनल लिखा है, मैं उसकी जगह पे करना चाहूंगा 5 रोटेशनल डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स शॉल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन 1/3 of 5, ठीक है, इन फोर्थ एजीएम, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंस 4 डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द सेम डे 2 डायरेक्टर शॉल रिटायर
एज पर एग्रीमेंट अमॉन्ग दीज फोर डायरेक्टर्स, अगर वो एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ऐसे सिचुएशन में और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, डिसाइड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये भी लिख के रखा है, क्लियर है। सो आने वाले ईजीएम में दो एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस वैकेट करने वाले हैं और दो रोटेशनल डायरेक्टर ऑफिस वैकेट करने वाले, मतलब चार डायरेक्टर टोटल ऑफिस छोड़ेंगे, दो एडिशनल दो रोटेशनल, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो फोर डायरेक्टर्स विल वैकेट द ऑफिस, टू रोटेशनल और एडिशनल तो वैसे ही छोड़ने वाले हैं, एंड टू एडिशनल डायरेक्टर्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन 58, बहुत सारे क्वेश्चन है तो 152 के खत्म ही नहीं हो रहे, हे भगवान कैसी तेरी माया। 154 शुरू हो गया, 153 शुरू हो गया, 152 फाइव के सवाल है, चलो दो तीन ही बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए पढ़ लेते हैं। एबीसी कंपनी लिमिटेड इन फर्स्ट जनरल मीटिंग अपॉइंटेड सिक्स डायरेक्टर हुज पीरियड इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, अगेन सेम सवाल रिपीट, ऑल डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन वाला, सीधा सिक्स का वन थर्ड रिटायर कर देना, दैट इज टू डायरेक्टर्स, ठीक है, ये चीज को याद रखना। अगला, एडीजी कंपनी लिमिटेड हैज 10 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, टू ऑफ द डायरेक्टर्स हैव रिटायर्ड बाय रोटेशन एट एनुअल जनरल मीटिंग, द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स नॉट सो फिल्ड अप एंड मीटिंग हैज सेम रिपीट सवाल अगेन, ये भी हो चुका है अपना कि भैया टू डायरेक्टर रिटायर होने वाले थे, वैकेंसी फिलअप नहीं किया तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, सो ये भी सवाल रिपीट है। अगला, एक 152 to 5 वाला सवाल है, मिस्टर जॉन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमसीएक्स लिमिटेड ऑन 12th जनवरी 2006, मिस्टर जॉन हैज फाइल्ड हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, ठीक है, ओनली विद द कंपनी, एग्जामिन रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑल्सो रिक्वायर टू फाइल कंसेंट विद द आरओसी, हाँ आरओसी के साथ डीआईआर 2 फाइल करना जरूरी है, इसने कंपनी के साथ फाइल किया तो भी चलेगा, वो कम्युनिकेशन आरओसी को माना जाएगा, तो देखिए आंसर, आरओसी के साथ डीआईआर 2 फाइल करना जरूरी है, थस इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव प्रोविजन मिस्टर जॉन शॉल फाइल अ कंसेंट इन डीआईआर 2 विद द आरओसी। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को पढ़कर रखो, स्टार मार्क क्वेश्चन है, 152 5 पे इकलौता सवाल है, ठीक है पढ़ लीजिए। चलो डन हो गया सबका, सो यहां आई गेस 152 के सभी सवाल खत्म होते हैं। अगला फिर डिन के प्रोसीजर से शुरू होता है सवाल, सो हम इसको यहां पे स्टॉप कर देंगे। सो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं किया हमने बेसिकली सिर्फ सेक्शन 151 स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर और 152 के सवाल लिए, ठीक है, वही काफी सफिशियंट है। आज बचे हुए क्वेश्चन हम कल के लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर क्वेश्चनियर वालों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, और जो रेगुलर बैच वाले वो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट सवाल कवर अप करेंगे, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। क्वेश्चनियर वालों का लेक्चर यही खत्म होता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर प्लेलिस्ट से आप ढूंढ के ले सकते हो जो नीचे लिंक में दिया होगा। रेगुलर बैच वाले आप जुड़े रहिएगा, कल के होमवर्क के लिए सोल बुक निकालिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, मैं आज का होमवर्क आपको दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चनर वालों का लेक्चर खत्म हो गया बेटा।